नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह पर नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय संगोष्ठी में NETF के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा, आजादी के शताब्दी वर्ष तक दुनिया का सिरमौर होगा भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित होते हैं महंत दिग्विजयनाथ के विचार। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में चौरी चौरा थाने पर थाना समाधान का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से हो रहा है काम, जनता भाजपा के काम से खुश, महानगर में ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे भाजपा के पार्षद। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले दो पशु तस्करों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक गोवंश, एक पिकअप गाड़ी, एक सरिया, ईंट के टुकड़े व शीशे के बोतल को किया बरामद, भेजा जेल। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे ब्रह्मलीन द्वय के पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के चौथे दिन कथा व्यास ने कहा, भगवान होते हैं प्रेम के भूखे, प्रेम से भक्त जो चाहे करवाता है अपने भगवान से, भगवान वह सब कुछ करने लगते हैं भक्त के लिए। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से राज्य जूनियर एथलीट्स बालक व बालिका अंडर 20 दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, दिखाया अपना प्रतिभा। रविवार को समापन में सदर सांसद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल व संपन्न, नए सदस्यों को दिलाया गया कर्तव्यों के प्रति शपथ। अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, समाज के प्रति संकल्पित व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। और गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे फुटबॉल लीग मैच में धर्म स्पोर्टिंग ने सेंट्रल यूथ फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल क्लब के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTC के पूर्व अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक भारत न केवल पूर्ण विकसित राष्ट्र अपितु पूरी दुनिया का सिरमौर होगा। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में छात्र, समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के ध्येय वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अति महत्वपूर्ण योगदान होगा। श्री सहस्रबुद्ध युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत शनिवार को नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषयक संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि गुण हर बच्चे में होता है, उसे पहचान कर आगे बढ़ाने का दायित्व शिक्षा का है। 1835 में मैकाले ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाकर सिर्फ क्लर्क बनाने की शुरुआत की थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद जो भी शिक्षा नीतियां आईं उनमें राष्ट्रीयता के अनुकूल बदलाव करने पर ध्यान नहीं दिया गया। श्री सहस्रबुद्धे ने कहा कि 1967 में महंत दिग्विजयनाथ ने देश की संसद में समय अनुकूल, मूल्यपरक और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाई थी। उनके विचार अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित हो रहे हैं। पहली बार ऐसी शिक्षा नीति बनी है जिसमें देश के 2.5 लाख गांवों से लोगों के विचार के अनुरूप व्यवहारिक प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि हम राम राज्य की ही बात क्यों करते हैं, किसी और राज्य की क्यों नहीं। इसके पीछे मंशा यह है कि सबको समान अवसर मिले। समान अवसर वाली राम राज्य की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी है। श्री शहसबुद्धे ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारीकियों की विस्तार से विवेचना करते हुए बताया कि क्षेत्रीय या नैसर्गिक भाषा में शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा की जीवंतता, मूल्यों का संरक्षण व संवर्धन, स्वयं, समाज व राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव इस नीति के मूल में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को शुरुआती 5 वर्ष तक खेलकूद कथाओं के माध्यम से सिखाने की बात निहित है। कक्षा 6 से बच्चों की अभिरुचि के अनुसार कौशल विकास करने की मंशा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के दायित्व पर भी जोर दिया गया है। इसका कारण यह है कि शिक्षक हर छात्र के गुण को अच्छे से पहचान लेता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने गुणों को पहचान कर ही अर्जुन को धनुर्विद्या और भीम को गदा चलाने में निपुण बनाया, इसी तरह गुणों को पहचानना, उसे निखारने की जिम्मेदारी शिक्षकों को उठानी होगी। श्री शहसबुद्धे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सक्षम नागरिक के माध्यम से सक्षम समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मंत्र है। इसमें मूल्य आधारित और छात्र के अंतर्निहित कौशल के अनुसार ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प है। इस मंत्र और संकल्प का अनुसरण करते हुए अपना देश आज़ादी के अमृतकाल अर्थात अगले 25 वर्षों में उस स्थिति में होगा जब दुनिया के अन्य देशों के लोग भारत में सीखने आएंगे। संगोष्ठी के विशिष्ट वक्ता मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण की धारणा है। व्यापक राष्ट्रीय हित में शिक्षा नीति को इस तरह तैयार किया गया है कि हर छात्र अपनी रुचि और तदनुरूप कौशल विकास करते हुए स्वयं, समाज और राष्ट्र की समृद्धि में योगदान दे सके। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा इतनी समृद्ध थी कि यहाँ तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए चीन के कई प्रांतों में प्रवेश पूर्व तैयारी होती थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार फिर भारत को ज्ञान परंपरा में अग्रणी बनाने की शुरुआत है। उन्होंने कहा, उच्च शिक्षा में उन क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन पर बल दिया जाता है जिनमें कोई छात्र बिना मानसिक दबाव तथ्यों को समझ सके। चीन, फ्रांस, रूस, जापान आदि विकसित देश अंग्रेजी की बजाय अपने देश की भाषा में ही शिक्षा पर जोर देते हैं। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि छात्र की अभिरुचि के अनुसार उसके कौशल विकास पर जोर देने से रोजगार और विकास की समस्या का समाधान आप ही हो जाएगा। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मंतव्य भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त करते हुए अशरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य ने कहा कि शिक्षा को बाहर से थोपा नहीं जा सकता, इसलिए किसी छात्र को उसी क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी पर जोर देती है। प्राचीन काल से ही भारतीय ज्ञान दर्शन ने पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। जहाँ पाश्चात्य ज्ञान का अंत होता है वहाँ से भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विश्व में उच्च शिखर पर पहुँचाएगी। संगोष्ठी की अध्यक्षता महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह ने की। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं महंत अवैधनाथ शिक्षा को आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समाज व राष्ट्र हित के अनुकूल बनाने का चिंतन करते थे। इस चिंतन को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दर्जन से अधिक शैक्षिक प्रकल्पों में देखा जा सकता है। वर्तमान पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिक्षा को समग्र रूप में राष्ट्रीयता व मूल्यपरकता से जोड़कर अहर्निश आगे बढ़ाने में जुटे हैं। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। संगोष्ठी का शुभारंभ ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुआ। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर रंगनाथ त्रिपाठी व गोरक्ष अष्टक का पाठ गौरव और आदित्य पांडे ने किया। इस अवसर पर महंत शिवनाथ, महंत गंगादास, राम मिलनदास, योगी रामनाथ, महंत मिथिलेश नाथ, महंत पंचाननपुरी, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा चौरी चौरा थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में शनिवार को थाना समाधान का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस के अधिकारी थाने पर मौजूद रहकर नागरिकों की समस्या सुनते हैं तथा जिन समस्याओं का थाना समाधान दिवस में समाधान नहीं हो पाता है उसमें पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौके पर जाकर जाँच कर समाधान करती है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस अधिकारी सभी विभागों से समन्वय बनाकर काम करें, यदि क्षेत्र में जाते हैं तो टीम के साथ जाकर निरीक्षण करें, यदि मौके पर समाधान हो सकता है तो समाधान कर दें, यदि कोई व्यक्ति कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें और थाने लेवल की समस्या को थाने पर ही समाधान कर दें, जिससे फरियादियों को मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, शनिवार को थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और अन्य जो संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी थाने पर मौजूद रहते हैं। जो भी प्रार्थना पत्र इस पे आते हैं, जहां पर ज्वाइंट कार्रवाई करने की जरूरत है, प्रार्थना पत्र लेके उसकी जांच करके थाना दिवस समाप्त होने के बाद ज्वाइंट टीम थाना क्षेत्र में जाती है और समस्या का समाधान मौके पर किया जाता है। इसमें सबसे जरूरी चीज़ है पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उनके आपस में समन्वय। इसके लिए आज यहाँ सभी को बताया गया है कि आपस में सभी लोग उनके क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं या बीट कांस्टेबल्स हैं या हल्का प्रभारी हैं उनके साथ समन्वय बनाएं, कोशिश करें कि जब भी उस क्षेत्र में जाएं तो ज्वाइंटली विजिट करें और जो चीज़ें मौके पर जिनका समाधान हो सकता है समाधान करें। कोई व्यक्ति अगर कानूनी काम में या सरकारी काम में या जो जायज़ काम है, जो नियमता, जो सही काम है उसको करने में कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है, कोई वहाँ पर समस्या पैदा कर रहा है, तो उसके ऊपर सख्त कड़ी और वैधानिक कार्रवाई भी की जाए और ये जो समस्याएं हैं जो लोकल लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं, थाना लेवल पर सॉल्व हो सकती हैं, उनको वहीं सॉल्व किया जाए ताकि प्रार्थियों को मुख्यालय पर जाकर के उनको वहां पर समस्या न बताए। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर महानगर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विकास हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव में 37 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया, जिससे बहुमत से दोबारा प्रदेश में सरकार बन गया। दूसरी बार प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जिससे जनता भाजपा के कामों को सराह रही है। महानगर के वार्डो में भाजपा के सबसे ज्यादा पार्षद चुनाव जीतेंगे। इस अवसर पर भाजपा के ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सिद्धांतो घोष सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, सांसद आदरणीय नीलम सोनकर जी, गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी,
गोरखपुर ग्रामीण के पूर्व महानगर अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, पूर्व महापौर आदरणीय जी देवेश श्रीवास्तव जी, इंदुमणि उपाध्याय जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। बैठक में सभी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन की दृष्टि से आज और कल दो दिनों में सभी जिलों की योजना बैठकें हो रही हैं। उसी के क्रम में आज गोरखपुर महानगर की भी योजना बैठक है। इस योजना बैठक में आगामी दिनों में होने वाले नगर निकाय के चुनाव, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हों, चाहे वो नगर पालिका के हों, चाहे वो नगर पंचायत के हों, सभी नगर निकाय के चुनाव हमारे क्षेत्र में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है और 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर के भी दोनों के बीच एक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम भी चलेगा। विभिन्न प्रकार के अभियान इन 15 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने सरकार और संगठन दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं। इन सब की दृष्टि से हर जिलों में योजना बैठक चल रही है। उसी के दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की भी योजना बैठक है। इन सारे अभियानों के बारे में, सारे चुनावों के बारे में एक व्यापक रणनीति बनाने का काम इस बैठक में होगा। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सलमान खान पुत्र अजीज निवासी वार्ड नंबर 1 अहरीपुरवा गजफ्फरनगर थाना जंगीपुर जिला गाजीपुर, दूसरा बबलू राजभर पुत्र फेकू राजभर निवासी ग्राम जुमरी एखरार्स थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिनके पास से 1 गोवंश, 1 पिकअप गाड़ी, 2 सरिया, 25 ईंट के टुकड़े, 10 शीशे के बोतल बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तेज रफ्तार से आ रही पिकअप को बैरियर लगाकर रोकने का प्रयास किए तो पिकअप चालक व उस पर सवार 5 अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नीयत से ललकारते हुए चिल्लाने लगे कि ये पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार दो, और हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से पिकअप चढ़ाने का प्रयास किए तथा आपस में ही तेज आवाज में बोले कि इन पुलिस वालों को कुचल दो तभी ये मानेंगे, और गाड़ी में रखे ईंट पत्थर व शीशे की बोतलों को फेंक कर पुलिस टीम को मारने लगे, जिससे कांस्टेबल पवन कुमार को काफी गंभीर चोटें आई। मौके से पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते वे घेर कर 2 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया तथा थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, आजाद नगर चौकी प्रभारी बबलू कुमार, उप निरीक्षक हरि प्रकाश यादव, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल सोनू, विनीत सिंह, मुन्ना कुमार यादव, सुरेंद्र वर्मा शामिल रहे। Thank you.
वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह पर नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय संगोष्ठी में NETF के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा, आजादी के शताब्दी वर्ष तक दुनिया का सिरमौर होगा भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित होते हैं महंत दिग्विजयनाथ के विचार। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में चौरी चौरा थाने पर थाना समाधान का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से हो रहा है काम, जनता भाजपा के काम से खुश, महानगर में ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे भाजपा के पार्षद। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले दो पशु तस्करों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक गोवंश, एक पिकअप गाड़ी, एक सरिया, ईंट के टुकड़े व शीशे के बोतल को किया बरामद, भेजा जेल। गोरक्षनाथ मंदिर में चल रहे ब्रह्मलीन द्वय के पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के चौथे दिन कथा व्यास ने कहा, भगवान होते हैं प्रेम के भूखे, प्रेम से भक्त जो चाहे करवाता है अपने भगवान से, भगवान वह सब कुछ करने लगते हैं भक्त के लिए। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से राज्य जूनियर एथलीट्स बालक व बालिका अंडर 20 दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया शुभारंभ। प्रदेश के विभिन्न मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, दिखाया अपना प्रतिभा। रविवार को समापन में सदर सांसद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल व संपन्न। नए सदस्यों को दिलाया गया कर्तव्यों के प्रति शपथ। अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, समाज के प्रति संकल्पित व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। और गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे फुटबॉल लीग मैच में धर्म स्पोर्टिंग ने सेंट्रल यूथ फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर किया जीत हासिल। गोरखपुर फुटबॉल क्लब के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राज संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत गोरक्षनाथ मंदिर में चल रहे सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के चौथे दिन कथा व्यास असरफी भवन अयोध्या के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज ने व्यास मंच से कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, प्रेम से भक्त अपने भगवान से जो चाहे करवाता है वह सब कुछ भगवान भक्त के लिए करने लगते हैं। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, कोई सबरी के जैसे खिलाता नहीं। भजन गाकर भक्त और भगवान की प्रेममय भाव का वर्णन किया। प्रयागराज की महिमा बताते हुए कहते हैं कि 63 करोड़ तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। प्रयाग में निरंतर यज्ञ होते रहते हैं इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ गया। प्रयाग तीर्थों का राजा है इसलिए उसके पास राजा के 3 चिन्ह भी हैं। प्रयाग में माँ गंगा की विस्तृत भूमि जहाँ कुंभ लगता है वह सिंहासन है। वहाँ पर विद्यमान अक्षय वट उनका छत्र है तथा चामर के रूप में गंगा और यमुना दोनों नदियों के प्रवाहमान तरंगे हैं। कथा व्यास ने कहा कि भगवान प्रत्येक जीव में आकर स्थित होकर सबका नियमन करते हैं और जठारी अग्नि बनकर सबका खाया पिया पचाते हैं। समुद्र में बड़वानल बनकर संपूर्ण बरसात के जल को जलाते रहते हैं जिससे धरती सुरक्षित बनी रहती है। मन के बारे में बताते हुए कथा व्यास ने कहा कि मन ही मनुष्यों के बंधन और का कारण होता है। हमारे मन को ब्रह्मा जी ने बहिर्मुखी बनाया है इसलिए मन हमेशा बाहरी विषयों में भागता रहता है। उस मन को नियंत्रण में रखना ही भजन का
प्रयोजन है। मन को ध्यान में लगाना चाहिए, जिससे धीरे धीरे मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन में भगवान का प्रतिबिंब होता है। उन्होंने मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन के द्वारा मन की महत्ता तथा उसके नियंत्रण से लाभ को बताया। शरीर के निर्माण के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तत्व से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उसी 5 तत्व से शरीर रूपी पिंड का भी निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड में विद्यमान सब कुछ हमें मिल सकता है, बस अपने मन को बाहर के विषयों से हटाकर स्वयं में लगा लिया जाए, कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाएगा। प्रयागराज से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं। वहां का रमणीय वातावरण देखकर उस तीर्थ को प्रणाम करते हैं और माता सीता से कहते हैं कि मैंने वनवास में आकर 2 फल प्राप्त किया है। पहला यह कि पिताजी को उनके द्वंद से छुटकारा दिलाया है, दूसरा कि भाई भरत को कुछ प्रसन्नता दे सका। चित्रकूट में भगवान शाह आनंद विराजते हैं तो वह स्थान बैकुंठ हो जाता है तथा जिस अयोध्या को छोड़कर भगवान गए हैं वह मृत्युलोक हो जाता है। उस मृत्युलोक में भरत रहते हैं, जो बाद में प्रभु को याद करते हुए वनमार्ग से होते हुए भगवान से मिलने चल पड़ते हैं। रास्ते में निषाद राजगुहा से भेंट होती है, जो भरत को भगवान के बारे में बताते हैं। आगे भारद्वाज ऋषि का आश्रम पड़ता है। सब लोग पहुंचकर विश्राम व भंडारा करते हैं। वहां सब सुख सुविधाओं को पाकर अयोध्यावासियों का मन आनंदित हो जाता है और वे सभी कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं आनंद लेंगे। ऐसा कहते हुए आनंद लेने लगे, किंतु भरत ने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना ही विश्राम किया, बस भगवान राम का ध्यान करते हुए रोते रहे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने ने भजन गाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरे दिन सुबह भरत चित्रकूट के लिए निकल पड़े। भरत जहां जहां जाते वहां मेघ छाया करते हैं, पृथ्वी नर्म हो जाती है, हवाएं शीतल हो जाती हैं, पूरी प्रकृति उस भगवान के परम भक्त की सेवा में लग जाती है। भरत को सेना के साथ आता देखकर लखन का क्रोध फूट पड़ता है। भगवान राम से कहते हैं कि मैं भरत का वध कर देता हूँ। भगवान उनको समझाते हैं और कहते हैं कि भरत मेरा भाई है, उसे मेरी याद आई होगी इसलिए आ रहा होगा, उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में गाकर श्रोताओं को भरत का भगवान राम के प्रति भाव को बताया। श्री भरत और श्री राम के मिलन के करुणिक दृश्य का इस प्रकार से वर्णन कथा व्यास ने किया कि श्रोताओं की आंखों में आंसू निकल पड़े। कथा का प्रारंभ व्यास मंच के पूजन तथा समापन आरती एवं प्रसाद से हुआ। संचालन डॉक्टर श्री भगवान सिंह ने किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ जी, महाराज महंत रविन्द्र दास जी, महंत गंगादास, अवधेश सिंह, संजय सिंह, महेश पोद्दार, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, ब्रजेश मणि मिश्र, प्रांगेश कुमार मिश्र, डॉक्टर रोहित मिश्र, अश्वनी त्रिपाठी, विनय गौतम आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से राज्य जूनियर एथलेटिक्स बालक व बालिका अंडर 20 2 दिवसीय प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने पुरुष खिलाड़ियों का 800 मीटर का दौड़ लगवाकर शुभारंभ किया तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, जिसके संबंध में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश निदेशालय ने एथलेटिक्स संघ के सहयोग से प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न मंडलों से खिलाड़ी आए हैं। सभी खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह है, जिसमें एक 800 मीटर की दौड़ हुई है। दौड़ प्रतियोगिता में सहारनपुर मंडल का खिलाड़ी प्रथम आया है, गोरखपुर मंडल से एक खिलाड़ी द्वितीय आया है। उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही खेल को बढ़ावा दे रही है, बहुत सी सुविधाएँ हैं जो कि पहले नहीं मिलती थी, अब खिलाड़ियों को सुविधाएँ मिल रही हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसमें खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, रहने की व्यवस्था, उपकरण व किट उपलब्ध कराया जा रहा है और स्वस्थ भोजन दिया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के सचिव आदित्य प्रताप सिंह, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, हमारे झंडे को ये बहुत ही एक बार जोरदार तालियों से इस स्वर्णिम पल का बहुत ही सुंदर हमारे खेल निदेशालय का ध्वज लहराता हुआ और इस उद्घाटन समारोह को शुरुआत करने के लिए
हमारे बीच में बैलून्स के द्वारा इस उद्घाटन समारोह का जो शुभारंभ होने जा रहा है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की मार्च पास्ट सल्यूट अभिनंदन हमारे मुख्य अतिथि का, मेरा निवेदन है एसएसपी बैंड का टीक को बजाने का, जिस पर हमारे सभी खिलाड़ी हमारे मंच के सामने से आएंगे। ये शुभ अवसर हमारे बीच में है, आज ये उत्तर प्रदेश जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र सर्वप्रथम आगरा मंडल, फिर अलीगढ़ मंडल, अयोध्या मंडल अपना अपना ध्वज लेकर, हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, इन भावनाओं को लेकर हमारे मंच के सामने राष्ट्रभक्ति की अलग जगाता हुआ आगरा मंडल का ध्वज, ध्वज साइड में थोड़ा सा झुकाते हुए सलामी करते हुए सभी खिलाड़ी, जब मुख्य अतिथि के सामने से निकलेंगे तो सल्यूट करते हुए निकलेंगे ये सभी खिलाड़ी, अपना सलाम अपनी सलामी अपने मुख्य अतिथि महोदय को। अयोध्या मंडल के खिलाड़ी बहुत ही जोश में भरे हुए हैं, श्री राम जन्मभूमि से आए हैं, हम आपका स्वागत और वंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर आजमगढ़ के खिलाड़ी ने बड़ी सुंदर कमांड दी है और अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये खिलाड़ी बहुत ही भव्य और सुंदर समागम में अपना बरेली मंडल सल्यूट करते हुए ध्वज को झुकाते हुए, और मुख्य अतिथि के सामने से देवी पाटन मंडल, बहुत ही जोश से भरे हुए ये खिलाड़ी जय हिंद की ध्वनि का उद्घोष करते हुए और बहुत ही सुंदर झांसी की भूमि से यहाँ पर आए हैं और राष्ट्रभक्ति की अलग जगाते हुए रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिनिधित्व करते हुए झांसी मंडल हमारे मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए, नगरी से सभी हमारे मध्य में सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय को लखनऊ मंडल, बहुत ही सुंदर और भव्य समागम में क्रांति धारा से, मेरठ ऐसी क्रांति धारा है जहां से अनेकों शूरवीर और मंगल पांडे जी भी वहां से हैं, मिर्जापुर मंडल, आप सभी उनके लिए अतिथि हैं, प्रणाम करते हुए और हम एक बार फिर से एसबीआई का धन्यवाद करेंगे टीम को मनोबल बढ़ाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ विभिन्न 18 के 18 मंडल, मैं खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश एथलेटिक संघ के समन्वय से आयोजित प्रादेशिक जूनियर बालक एवं बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। तिरंगे के माध्यम से देखिए संदेश देंगे, जहां तक जाएंगे जिन दूरियों को जाएंगे ये ध्वज ऐसे ही ऊंचाइयों को छूता रहे और राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम सभी खिलाड़ी ऐसे ही अपना तेज और साहस, और मैं हमारे मुख्य अतिथि संघ के अध्यक्ष माननीय श्री एलडी सिंह जी, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी, पूर्वांचल के लिए एक सम्मान का विषय सम्मानित श्री पन्नेलाल यादव जी, बालीबाल संघ के सचिव, गोरखपुर विश्वविद्यालय क्रीड़ा विभाग के प्रोफेसर माननीय डॉक्टर राजवीर सिंह जी, अपने बच्चों के लिए फ्री सेवा है। और ये 800 मीटर के धावक मैदान में चल गौरव को उत्साह का चलेगा प्रदर्शन करते हुए जी जी तालियों से खिलाड़ियों का बहुत ही सुंदर।
करते हुए आज अपनी इस स्पर्धा में अपने मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से एक दूसरे से आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो देखने को मिलता है। और मंच के सामने से आते हुए एक बार जोरदार तालियों से मेरा सबसे अनुरोध है कि हम सभी इन खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें और ये पहला राउंड है 800 मीटर का। ये जो धावक हमारे समकक्ष दौड़ते हुए अश्वनी जी सहारनपुर मंडल और 234 क्या नाम है? दीपक यादव। किस मंडल से हैं और प्रथम किस मंडल से है? सुंदर प्रयास। और 440 चेस नंबर खेल प्रतियोगिता शुभारंभ हुई है। ये उत्तर प्रदेश के स्तर की जो एथलेटिक खिलाड़ी हैं 20 साल से कम उम्र के, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने एथलीट संघ के सहयोग से आज इस प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी आए हैं, सब में एक अलग प्रकार का उत्साह है। हम लोगों ने एक खेल अभी देखा भी है 800 मीटर की दौड़ का, जिसमें सहारनपुर मंडल का बच्चा प्रथम आया है, अपने गोरखपुर मंडल से एक बच्चा द्वितीय भी आया है। हमारी सरकार शुरू से खेल के प्रोत्साहन के लिए बड़ी मेहनत कर रही है और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं मिला करती थी हम लोग देने का और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, चाहे उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन हो, उनको प्रशिक्षक देना हो, उनके रहने सहने की व्यवस्था करनी हो, उनको उपकरण और किट्स उपलब्ध कराने हो, उनको स्वास्थ्यपरक भोजन देना हो, यह सब हम लोगों ने इधर बहुत जब से माननीय मोदी जी आए हैं हम लोग बहुत सफलतम प्रयास कर रहे हैं और उसका फल है कार्यकर्ताओं में खिलाड़ियों में एक नया उत्साह सृजित हुआ है। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी लान में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने बताया कि गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 24वां शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें सभी सदस्यों को शपथ दिलाया गया है, क्योंकि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में संकल्पित होगा तो वह बेहतर पदाधिकारी बन सकता है। गोजय पत्रकारिता दायित्वों के साथ में समाज के प्रति भी संकल्पित है तथा ऐसे व्यक्ति जिसने जनपद में लोगों के लिए कुछ किया हो, ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा, जो चुनौतियां हैं वो सबसे बड़ी यही है 2047 का भारत जब हम दे रहे होंगे तो हमारी पत्रकारिता कैसी होगी, किस रूप में होगी, हम बनाएंगे। समय का अभाव है, इन बहुत अपने जो कुछ भी मैंने बोला है बहुत कम शब्दों में मैंने कोशिश की थी, अपनी बात है अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि 2047 की पत्रकारिता कम से कम ऐसी न हो जैसी आज दिख रही है, परसेप्शन वैसा न हो जैसा आज समाज में है। समय समय पर बैठेंगे, विचार करेंगे, उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन सुधारेंगे जरूर, क्योंकि ये स्तंभ वैधानिक भले न हो सामाजिक विकास पार्टी को बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सचिव जी। के साथ साहित्य की तरफ होगी, समाज के लिए त्यागपुर के पत्रकारों का सौभाग्य है कि उन्हें इन सारे गुणों से परिपूर्ण मंच के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मंचासीन वरिष्ठ नमस्कार। आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी, माननीय मुख्य अतिथि श्री राजीव श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर चित्ररंजन मिश्र जी, हमारे कुल के बुजुर्ग नहीं कह सकता वरिष्ठ कहना पड़ेगा, वरिष्ठ श्री रणविजय सिंह जी, और जो आज सम्मानित हुए हैं हमारे सामने बैठे हुए, जिनको किसी परिचय के जो मोहताज नहीं है उनके लिए बस मैं दो लाइन बोलूँगा, जय हो जग में जले जहाँ भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। हमारे पत्रकार साथी देवियों एवं सज्जनों, जो आज का विषय है बड़ा ही संवेदनशील है और
आज के मुझे लगता है 2-3 साल पहले एक ऐसे वरिष्ठ जनों के बीच में मैंने बोला कि बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है, परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहा है समाज में। तो लोगों ने कहा बेटा तू अभी बच्चा है, पहले भी परिवर्तन होता था, हमने भी बहुत दुनिया देखी है। तो मैंने उनको कहा सर होता था लेकिन अभी बहुत तेज गति से हो रहा है। मुझे अभी भी याद है कि आप सभी इसके गवाह हैं कि एक जनरेशन चेंज होने में 25 साल लगते हैं, 25 साल में एक जनरेशन चेंज होती है ऐसा हम सुनते पढ़ते और मानते आए हैं। लेकिन जब से नई सेंचुरी शुरू हुई है हम लोग पहले जनरेशन से स्टार्ट किए और आज 5वीं जनरेशन के दहलीज पे हैं मात्र 22 साल में, तब मैं कहता हूँ कि ये परिवर्तन जो है बहुत तेजी से हो रहा है। पिछली बार जब इस कार्यक्रम में मुझे इन्वाइट किया गया था तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, इन सभी पे मास्क लगा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा लोगों का चेहरे देख भी नहीं पाया था, मैं खुद भी मास्क लगाया हुआ था। और आज एक नई ऊर्जा, नए आत्मविश्वास के साथ ये सभी लोग कोविड की चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले सभी को बधाई, क्योंकि सभी को ये नसीब नहीं हो पाया। हम अपने उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इस कोविड की चुनौतियों को पार नहीं कर सके, हमारे भाई हमारे बहन जो हमें छोड़कर जिनको जाना पड़ा। जब मैं चेंजेस की बात करता हूं तो कोविड के दौर में हमने देखा कि जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो एक कमरे तक सीमित हो गए थे, लेकिन उस समय भी जो हमारे पत्रकार साथी थे वो घर से बाहर निकले और उस विषम परिस्थितियों में भी आपने अच्छी पत्रकारिता की। चुनौतियां बढ़ी हैं, चुनौतियां इसलिए बढ़ी हैं कि एक मोबाइल लेकर हर कोई आज मीडिया पर्सन बन के घूम रहा है। न्यूज देखने की या दिखाने की कहीं ना कहीं एक जल्दी है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। हर कोई ये सोचता है कि पहली बार हम न्यूज दे दें, अगर वो कुछ नहीं कर पाता है तो सोशल मीडिया पर डाल देता है और फिर कुछ देर बाद पता चलता है न्यूज तो ये नहीं थी तो डिलीट करके एक नया न्यूज लिख देता है। लेकिन ये जो पत्रकार हैं हमारे, उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी सोचने वाली है, क्योंकि जब वो कुछ लिखते हैं तो लोग उसको ऑथेंटिक समझते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसीलिए आपके पास, अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो एक समय होता है कि आप अगले दिन तक यानी कि रात तक का समय होता है उस न्यूज को वेरीफाई करने का कि उसमें सच्चाई है कि नहीं है। तो आप जब लिखते हो कोई चीज तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार जब चौरी चौरा का शताब्दी दिवस मनाना था तो हम लोग खोज रहे थे सारे लोग कि किस दिन चौरी चौरा इवेंट हुआ था, तो उस जमाने के न्यूज़पेपर्स खोजे गए और वहां से पता किया गया कि हाँ इस तारीख को अगर एक खबर छपी थी तो शायद इस तारीख को घटना हुई होगी। हम लोग देख रहे थे कि महात्मा गांधी जी कब आए थे इस क्षेत्र में, हम लोग एक वीडियो फिल्म बना रहे थे तो उस समय एक मैगजीन छपी थी, एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद है मुझे, उस मैगजीन में तारीख शायद 31 जनवरी उस समय 1921 में एक आर्टिकल निकला था जिसमें यह लिखा गया था कि 8 फरवरी को महात्मा गांधी जी गोरखपुर आएंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मैंने काफी उसका प्रचार प्रसार किया कि गोरखपुर में किसी के पास फोटोग्राफ्स हो तो लेकर आए। कहने का आशय यह है कि ये आप लोग हैं जो आज के 100 साल बाद जिनकी लिखी हुई चीजें खोजी जाएंगी और पढ़ी जाएंगी। उस समय अगर कोई गोरखपुर या इस देश का इतिहास पढ़ना चाहेगा तो आप लोग जो आज लिख रहे हैं उसके माध्यम से वो पढ़ा जाएगा। अब्दुल रहमान ने सीमेंट घोटाला किया, सीमेंट के परमिट कब करते थे। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का यह 24वां शपथ ग्रहण समारोह है और हमारे यहाँ हर सदस्य शपथ लेता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि कोई भी पदाधिकारी पहले सदस्य होता है और सदस्य के रूप में अगर वो संकल्पित होगा तभी वो एक बेहतर पदाधिकारी होगा। इसलिए हमारे यहाँ पदाधिकारियों की शपथ नहीं होती है, हमारे सारे सदस्य शपथ लेते हैं। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन पत्रकारी दायित्वों के साथ में समाज के प्रति भी संकल्पित है और इसके लिए वो समाज के उन चुनिंदा व्यक्तियों को जो समाज को दिशा देते हैं, दशा उसकी सुधारते हैं, अपने कुछ कार्य से गोरखपुर का मान बढ़ाते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, तो ऐसे हर साल हम लोग
कुछ विभूतियों को सम्मानित करते हैं। इस बार भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इस बार हमारे सम्मान के क्रम में गोरखपुर से पहली बार किसी अधिवक्ता ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चेयरमैन पद हासिल किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे भाई मधुसूदन त्रिपाठी जी एडवोकेट को सम्मानित हम लोग ने किया है, और गैलेंट इस्पात के जरिए पूरे भारत में गोरखपुर का नाम बढ़ाने वाले चंद्रप्रकाश अग्रवाल जी को सम्मानित किया है। प्रख्यात सर्जन और कोविड के दौरान में अपना जान जोखिम में डालकर कार्य करने वाले डॉक्टर शिवशंकर शाही, आरपीएम के चेयरमैन अजय शाही, पत्रकार संजय वर्मा और जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव, जिन्होंने वास्तव में कोविड के दौर में पत्रकारों के लिए कैंप लगवाकर एक अतुलनीय कार्य किया था, उनको हम लोग ने आज सम्मानित किया है। शपथ ग्रहण भी हुआ, शपथ ग्रहण करने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाए, क्या निर्देश दिया गया लोगों को? एक संकल्प लिया जाता है कि पत्रकार अपने दायित्वों के साथ चले, समाज के साथ चले, समाज में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास करें और अपने कार्य और आचरण से समाज के उन शोषित और दबे कुचले वर्गों के मित्र के रूप में स्वयं को स्थापित करें, जिनके लिए समाज कई बार नहीं सोच पाता है। तो हमारा काम, हम जज नहीं हैं, हम जजमेंट नहीं देते हैं, लेकिन हम पैरवी कर सकते हैं। और आज हमारे सभी सदस्यों ने इसी का संकल्प लिया है, और यह संकल्प लेना इसलिए हर वर्ष जरूरी होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई नए सदस्य हर साल आते हैं, वो फिर एक बार संकल्पित होकर ऊर्जा पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय खेल मैदान पर चल रहे फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के तीसरे दिन धर्म स्पोर्टिंग ने सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर तथा पूल ए के मैच में फुटबॉल क्लब गोरखपुर ने स्टार क्लब भगवानपुर को 5-0 से पराजित कर अंक बनाया। आपको बता दें, पहला मैच धर्म स्पोर्टिंग कूड़ाघाट व सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। दोनों टीमों का बेहतर खेल प्रदर्शन रहा, जिसमें शुभम गुरुंग ने मैच प्रारंभ के 10वें, 25वें व 40वें मिनट में एकल प्रयास से लगातार गोल करके हैट्रिक बनाते हुए धर्म स्पोर्टिंग को 3-0 से विजय दिला दी। वहीं दूसरा मैच फुटबॉल क्लब गोरखपुर व स्टार क्लब भगवानपुर के मध्य खेला गया, जिसमें फुटबॉल क्लब गोरखपुर प्रतिद्वंद्वी भगवानपुर पर हावी रहा, जिसके फलस्वरूप 10वें, 18वें व 24वें मिनट में क्रम से ब्रजेश साहनी ने, तालिब व राहुल ने गोल करके फुटबॉल क्लब गोरखपुर को मैच के प्रथम अर्ध में 3-0 से बढ़त दिला दी। मैच के अंत के 33वें व 51वें मिनट में विवेक पासवान और राहुल ने चौथा और पांचवा गोल करके फुटबॉल क्लब गोरखपुर को 5-0 से विजय दिला दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल संघ के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, Come on!
अभी जो आपके समक्ष मैच जो सरनीज महाविद्यालय के मैदान पर मैच खेला जा रहा है फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में गोरखपुर लीग, ये मैच धर्म स्पोर्टिंग और सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब के बीच खेला जा रहा है सेंट एंड्रयूज फुटबॉल ग्राउंड पे। और आपको बताना ये बहुत ही ज़रूरी मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में जो फुटबॉल पुष्पित पल्लवित होता है, यहाँ के प्रोफेसर जे के लाल और यहाँ की प्राचार्य आर एन सैमुअल, ये दोनों हमारे संरक्षक हैं फुटबॉल संघ के, इन्हीं के देखरेख में पुष्पित पल्लवित होता रहता है और यहाँ निरंतर अभ्यास चलता रहता है फुटबॉल का। अभी ये जो मैच आपके समक्ष खेला जा रहा है फुटबॉल क्लब सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब और धर्म स्पोर्टिंग के बीच, और दूसरा मैच आज का FC गोरखपुर और स्टार क्लब भगवानपुर के बीच। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आज पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह पर नए भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका विषय संगोष्ठी में NETF के अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे ने कहा, आजादी के शताब्दी वर्ष तक दुनिया का सिरमौर होगा भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिलक्षित होते हैं महंत दिग्विजयनाथ के विचार। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में चौरी चौरा थाने पर थाना समाधान का किया गया आयोजन, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने महानगर के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, कहा प्रदेश के सभी जिलों में तेजी से हो रहा है काम, जनता भाजपा के काम से खुश, महानगर में ज्यादातर सीटों पर जीतेंगे भाजपा के पार्षद। पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले दो पशु तस्करों को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक गोवंश, एक पिकअप गाड़ी, एक सरिया, ईंट के टुकड़े व शीशे के बोतल को किया बरामद, भेजा जेल। गोरखनाथ मंदिर में चल रहे ब्रह्मलीन द्वय के पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत सप्त दिवसीय श्री राम कथा का तात्विक विवेचन के चौथे दिन कथा व्यास ने कहा, भगवान होते हैं प्रेम के भूखे, प्रेम से भक्त जो चाहे करवाता है अपने भगवान से, भगवान वह सब कुछ करने लगते हैं भक्त के लिए। उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के समन्वय से राज्य जूनियर एथलीट्स बालक व बालिका अंडर 20 दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया शुभारंभ, प्रदेश के विभिन्न मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, दिखाया अपना प्रतिभा, रविवार को समापन में सदर सांसद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल व संपन्न, नए सदस्यों को दिलाया गया कर्तव्यों के प्रति शपथ, अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा समाज के प्रति संकल्पित व्यक्तियों को किया गया सम्मानित। और गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे फुटबॉल लीग मैच में धर्म स्पोर्टिंग ने सेंट एंड्रयूज फुटबॉल क्लब को 3-0 से हराकर किया जीत हासिल, गोरखपुर फुटबॉल क्लब के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।